दोस्तों, अगर आप भी गमजी की गाड़ी को ऑन करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी ऑटो लॉक हुई या अनलॉक हुई जब आप गाड़ी के पास आते हैं या गाड़ी से दूर जाते हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आज के वीडियो में मैं आपको वो सेटिंग सिखाने वाला हूँ गाड़ी के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की, जिसकी मदद से आप गाड़ी के ऑटो लॉक अनलॉक को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहें। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है एमजी की गाड़ियों में, उसमें वो सेटिंग कहाँ पे होती है जहाँ पे डोर अप्रोच या अवे का लॉक अनलॉक का ऑप्शन होता है। तो आपके एमजी के कोई सा भी मॉडल है, आपको करना क्या होता है, आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाएं और उसकी सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हीकल सेटिंग्स का। अब व्हीकल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार लॉक का। अब यहाँ पे जाएं और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कोई और ऑप्शन नहीं छेड़ना है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, वॉक अवे लॉक और अप्रोच अनलॉक। तो आपके केस में अगर ये दो ऑप्शन ऑन है तो इस केस में हो क्या होगा, जब भी आप गाड़ी के पास आ रहे होंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जा रही होगी, और जब भी आप गाड़ी से दूर जाएंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, जो होता है वॉक अवे लॉक वाला और अप्रोच अनलॉक का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है आप उनको डिसेबल कर दें ताकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक ना हो, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, आप इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर दें। आपको कोई और सेटिंग नहीं छेड़नी है, बस इन दोनों ऑप्शन को जब आप ऑफ कर देंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली लॉक या अनलॉक नहीं होगी। तो इसी को टेस्ट करने के लिए चलिए अब गाड़ी के बाहर चलते हैं और देखते हैं कि मैं गाड़ी के पास आऊंगा या दूर जाऊंगा तो गाड़ी लॉक हो रही है या नहीं। इसको टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जो आपके गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड होते हैं, तो देखते हैं वो होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अभी मेरे हाथ में मेरी गाड़ी की है, गाड़ी को मैंने अनलॉक कर रखा है और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसको मैंने ऑफ कर रखा है। तो अभी होगा क्या, जब मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा तो गाड़ी लॉक नहीं होगी, ओआरवीएम्स फोल्ड नहीं होंगे, वो मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं गाड़ी से दूर गया हूँ तो आप देखेंगे कि गाड़ी जो है वो अभी लॉक नहीं हुई है, क्योंकि ये ORVMs भी आप देख सकते हैं ओपन हो रखे हैं। अब अगर मुझे इसे लॉक करना है तो इसको मेरे को मैनुअली की मदद से लॉक करना होगा। तो यहाँ पे ये जो की में लॉक का जो बटन है उसको मैं प्रेस करता हूँ, तो अब आप देखेंगे ORVMs फोल्ड हो गए और गाड़ी जो है वो लॉक हो गई है। अगेन, अगर अभी गाड़ी को आपको अनलॉक भी करना है तो आपको सेम ये जो अनलॉक बटन दिया होता है की में, उसकी मदद से आप अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा, अगर अभी भी आपके मन में ऑटो लॉक अनलॉक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।